तो चलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं कि कोई भी फोल्डर के ऊपर हम पिक्चर कैसे लगाएं। तो राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू पे जाना है और फिर फोल्डर एक बना देना है। और इस फोल्डर का आप नाम लिख दीजिए, कोई भी नाम, अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंडिया लिख देता हूँ इस फोल्डर का नाम। देखिए इस फोल्डर पे हम थोड़ी देर बाद पिक्चर भी लगा देंगे। तो कैसे लगाएंगे, चलिए जो पिक्चर आपको लगाना है पहले उस पिक्चर के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे। जैसे मुझे ये वाला पिक्चर लगाना है तो राइट क्लिक करने के बाद हम जाएंगे ओपन विथ में, फिर हमें जाना है पेंट में। पेंट में जाने के बाद हम यहाँ पे रिसाइज करेंगे, रिसाइज पे क्लिक करना है और ये जो टिक है इसको अनटिक कर दीजिए। बस उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे लिख देना है 60, फिर नीचे जाना है इसको काट के, फिर इसको भी 60 कर देना है, 60, फिर ओके कर देना है। अब हम इस पिक्चर को सेव करेंगे BMP में। यहाँ पे फाइल पे क्लिक कीजिए, फिर सेव एज में जाइए, सेव नहीं, सेव एज में जाना है, सेव में BMP पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे डेस्कटॉप पे देखिए, ये डेस्कटॉप लिखा है, मैं इस फ़ोटो का नाम रख देता हूँ कुछ भी नाम, ताकि हमें आसानी से फ़ोटो मिल सके। और यहाँ पे मैं लिख दिया स्कूल और डेस्कटॉप पे सेव कर दिया फ़ोटो को। अब हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। फिर हम जाएंगे फोल्डर पे जिस पे हमें पिक्चर लगाना है, राइट क्लिक करेंगे, नीचे आना है हमें, यहाँ प्रॉपर्टीज़ लिखा है इस पे जाएंगे, फिर हमें यहाँ पे कस्टमाइज पे जाना है, क्लिक करना है यहाँ पे। उसके बाद चेंज आइकन पे जाना है, क्लिक करना है, फिर यहाँ पे ब्राउज़र में जाना है। उसके बाद हम डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, जहाँ हमारा फ़ोटो था, नाम लिख के सेव किया था वहाँ पे। अब यहाँ से देखिए ऑल फाइल करना है, ऑल फाइल्स, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पे ऑल फाइल कर दीजिए, फिर यहाँ से ऐसे इसको नीचे खींचना है। उस फ़ोटो को ढूंढते हैं जो फ़ोटो मैं सेव किया था, उस फ़ोटो को ढूंढते हैं। देखिए यहाँ पे स्कूल लिख के मैंने सेव किया था, ये देखिए स्कूल है। यहाँ पे ओपन कर देना है, फिर यहाँ पे ओके कर देना है, फिर यहाँ से ओके कर देना है। देखिए जो फोल्डर इंडिया वाला फोल्डर था, इसके ऊपर जो है पिक्चर लग चुका है। तो आप भी ऐसे अपना पिक्चर लगा सकते हैं फोल्डर पे।